यूपी के प्रतापगढ़ में अवैध शराब के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कुंडा सर्किल के पीएस हदिगामा गांव से 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत का शराब पैकेजिंग का सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली एक यूनिट में छापेमारी की थी। यूनिट में ड्रमों में करीब 50,000 लीटर शराब, लाखों बार कोड, बॉटलिंग के औजार, खाली बोतलें, फ्लेवरिंग एजेंट और लाखों बोतलें बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार हदगावा के एक गांव में अवैध तरीके से चलाई जा रही शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। इस दौरान वहां 211 पेटी अवैध शराब के साथ ही भारी मात्रा में पैकिंग का सामान भी बरामद किया गया। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक मोइनुद्दीन गाँव में पुलिस ने एक अवैध रूप से चलाई जा रही शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस फैक्ट्री को गुड्डू सिंह नाम का एक शराब तस्कर चला रहा था। बताया जा रहा है इस शराब को अरुणाचल प्रदेश में बेचने के लिए बनाया जा रहा था। फैक्ट्री से पुलिस ने 2 ड्रम स्प्रिट, पंच मशीन, बार कोड, 130,000 बोतलों के ढक्कन समेत भारी मात्रा में पैकेजिंग का सामान जब्त किया है। पुलिस शराब माफिया गुड्डू सिंह और उसके साथी राहुल यादव की तलाश कर रही है। दोनों ही फिलहाल पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। आईजी रेंज केपी सिंह के मुताबिक अवैध शराब के इस व्यापार में कई और नाम भी शामिल हैं। ये लोग बड़ी ही चालाकी से अपना अवैध व्यापार चला रहे थे। पुलिस ने मानिकपुर इलाके से 235 पेटी शराब और कुंडा से 100 पेटी से अधिक शराब जब्त की है। उदयपुर थाना इलाके के कटरिया गाँव में मंगलवार रात एक प्रधान के घर पार्टी हुई थी। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। Thank you.